subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम बात करते हैं बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि कंसेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये रूल क्या होता है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिजनेसमैन और बिजनेस एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक कुमार एंड कंपनी एक शॉप खोली किसी ने या एक ऑफिस खोला और अशोक कुमार खुद मालिक है, तो ध्यान रहे वो बिजनेस और अशोक कुमार दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसका मतलब है कि अगर बिजनेसमैन भी बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल विड्रॉ करता है या बिजनेस के कुछ गुड्स निकालकर अपने घर पे ले जाता है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है वो तो बिजनेसमैन है, सब कुछ इसी का ही है, जब मर्जी ले ले, जब मर्जी निकाल ले। ठीक है, जब मर्जी ले ले, जब मर्जी ले आए, बट हम उसको रिकॉर्ड करें। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस या एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन ठीक नहीं निकलेगी। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 1,00,000 रुपए लगाया, साल भर में मैंने 50,000 रुपए और इंट्रोड्यूस किया तो 1,50,000 हो गया और 20,000 रुपए मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाल लिया तो अब 1,30,000 हो गया। मान लो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ना होता और मैं ये 50,000 रुपए और 20,000 रुपए रिकॉर्ड ही ना करता तो सिंपल तरीके से नजर आता कि सर ने साल के स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाया, साल के एंड में सर का कैपिटल 1,30,000 हो गया, तो इसका मतलब सर ने 30,000 रुपए प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट का कमाया, ये तो मेरा अपना ही था। यू सी, अगर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ना होता तो पिक्चर गलत नजर आती। बस उसी पिक्चर को ठीक करने के लिए इवन जो बिजनेसमैन ने भी बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन की हैं उसको भी रिकॉर्ड किया गया। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स की बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर्स ट्रांजेक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनर्स की ट्रांजेक्शन जो वो अपनी अलग से कर रहे हैं वो घर पे करे, पर बिजनेस के साथ कुछ भी करता है तो उसको यहां पे शो करें। इसीलिए बिजनेसमैन ने भी जितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी लायबिलिटी होती है। हालांकि बिजनेसमैन का है सब कुछ, लेकिन बिजनेस के हिसाब से बिजनेसमैन का पैसा भी लायबिलिटी है। बिजनेस ने बिजनेसमैन को ये पैसा देना है, इसीलिए अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी है ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है जी। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत सिंपल है बच्चों, कि हम लोग बुक्स में वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे या सिर्फ मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे जिसको मॉनेटरी वैल्यू मिली है। मेरे पास 500 किलो घी पड़ा है, उसकी वैल्यू नहीं पता लग सकती तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही पता लगी उसकी वैल्यू कि 500 किलो घी की वैल्यू 50,000 रुपए है तो मैं उसको 50,000 रिकॉर्ड करता हूं। और है भी कॉमन सेंस, मैं घी का बिजनेस करता हूं तो मोबाइल्स का, तीसरा शर्ट्स का, चौथा फ्लाईओवर बनाता है। अब फ्लाईओवर बनाने वाला अगर मनी के टर्म्स में ना लिखे तो वो सीमेंट और ब्रिक्स लिखता रहे, कोई मोबाइल वाला मोबाइल लिखता रहे, शर्ट्स वाला शर्ट लिखता रहे, मैं घी लिखता रहूं, कंपेयर कैसे होगा। मैं कहूंगा कि मेरे पास 500 किलो घी है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 200 मोबाइल है, तो मेरे पास ज्यादा हुआ, ऐसा थोड़ी है। मॉनेटरी टर्म्स में कंपेरेबल करने के लिए हमने उसको करेंसी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना शुरू किया, तभी उसको मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोला बच्चों। एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन जो कि मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है, उसकी वजह से मेरी सेल डबल हो गई, तो डबल सेल तो रिकॉर्ड हो जाएगी, मैनेजर अच्छा है रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शंस वो चाहे जितनी मर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर वो मनी के टर्म्स में नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एम राइट? तो ये दो हमारे कंसेप्ट थे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आप बचपन से जब से आपने होश संभाला है, करीब 4 साल के रहे होंगे या 3 साल के या 3.5 साल के, डिपेंड्स, आप तब से पढ़ना शुरू किया आपने,
अभी मेरे ख्याल से 15 या 16 साल के हो गए, अभी तक पढ़ ही रहे हो, कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो, बस किताबें चेंज हो जाती हैं, क्लासरूम चेंज हो जाते हैं, पर रूटीन कहाँ चेंज हुई? वैसे की वैसे ही है पढ़ाई, एक किताब नहीं पढ़नी तो दूसरी पढ़नी है, समझ रहे हो ना? बट कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था सब कुछ। देखो तुम रोज खाना खाते हो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, पर रोज पढ़ रहे हो इसमें डिफरेंस आ रहा है। हर साल के एंड में हम तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट बता देते हैं, बेटर परफॉर्म करने के तरीके बताते हैं और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर देते हैं कि अब तुम 6th में नहीं, अब तुम 7th में हो गए, अब तुम्हारा ग्रेड 8th हो गया है, अब तुम 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब तुम्हारी क्लास 10th है, अब तुम मूव ऑन करके 11th में आ गए। तो इससे तुम्हें भी एक मॉरल बूस्टिंग फैक्टर मिलता है, परफॉर्मेंस बताते हैं कि पिछली बार तुम्हारे 90% इस बार तुम्हारे 93% हो गए, अब अगली बार 98 लाने के लिए ये काम करो, तो तुम्हें पता लग रहा है कि मुझे और कैसे बेटर परफॉर्म करना है। या कंपटीशन में मैं ए हूं, मेरे 20 मार्क्स कम कैसे आ गए, मेरे को ज्यादा लेने हैं, और ये अच्छा कंपटीशन है, आगे बढ़ने के लिए इस तरह कंपटीशन होना चाहिए। जब से पढ़ रहे हो तब से लेकर आज तक कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हो, लेकिन हमने आपकी पढ़ाई को अलग अलग ईयर्स में काट दिया है, बांट दिया है, और हर ईयर को अलग अलग क्लास बोल दिया है और तुम्हें आगे बढ़ने के तरीके बताए हैं। सेम इज द केस ऑफ बिजनेस, जब से बिजनेस शुरू करो तब से लगातार बिजनेस करते हो, सुबह से लेकर शाम तक वही काम, चाहे 1st अप्रैल आ जाए चाहे 31st मार्च, लेकिन हर साल के प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और उससे फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं और परफॉर्मेंस को बेटर करने के तरीके बताते हैं। ये हमें हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बता रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। एक्चुअली यहां पर वर्ड अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट रोज बनते हैं पर रिजल्ट्स हर पीरियड के एंड में होना चाहिए, रादर देन कि मैं 100 साल बिजनेस करूंगा, 100 साल के एंड में देखूंगा कि कितना कमाया, ऐसा नहीं। यूजुअली दिस पीरियड इज वन अकाउंटिंग ईयर, पर फिर भी तुम क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो। A workable fraction of time is chosen out of the infinite life of the firm for measuring performance. आप 50 साल काम कर रहे हो, 40 साल काम कर रहे हो, उसमें से छोटे छोटे पीरियड्स हर 6-6 महीने बाद हम तुम्हारे अकाउंट बनाएंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए, एंड लुकिंग एट द पोजिशन, आपकी पोजिशन देखेंगे और बताएंगे क्या किया रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सके। नॉर्मल सी बात चल रही है। For performance appraisal, it is not necessary to look into the revenues and expenses of an unduly long time frame. तुम 12 साल पढ़े, 10 साल पढ़े, 10 साल के बाद एक ही बार रिजल्ट दिया, तो दोनों बातें हो सकती हैं। या तो तुम्हें पता ही नहीं लगा बीच में क्या कमियां थी और लास्ट में आगे पता लगा और सब टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए हर महीने में यूटी हो रहे हैं तुम्हारे, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या क्लास टेस्ट हो रहे हैं या आपके टर्मिनल टेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद फिर फाइनल टेस्ट हो, इसलिए हम लोग इसको ऐसे चलाते। दिस कंसेप्ट मेक्स द अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल और मीन। ओके।